मायरा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इसलिए मैंने प्यार किया। तो मैंने सोचा कि कोई स्टेज पे लेके जाते हैं, तो मुझे इनवाइट किया था कपिल शर्मा शो में, तो मैं उसको वहाँ लेके गई। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ टीवी पे। मैं समायरा को द कपिल शर्मा शो पे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका जो डर है वो चला जाए और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़ जाए। ऑडियंस के सामने एक बार उसको गाने को बोला मैंने, ताकि उसको थोड़ा सा डर कम लगे और उस थोड़ा सा यूज टू हो जाए, ताकि फाइनल ऑडिशन में उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर आई। बोला कि जब आप स्टेज पे गाओगे तो आप ऐसा सोचना कि आप घर पे जैसे मम्मा पापा के सामने गाते हो, आप घर पे बैठे हो और आप गाना गा रहे हो। बेटा मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ दोस्ती करने। नहीं, सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड है पर मेरा एनिमी है। फिनाले से पहले मैं तुम्हारी दोस्ती जीत के रहूंगा दुश्मन। पहले ऑडिशन में मेरे को सर्टिफिकेट दिया, वो भी झूठा बोल रहे। कौन? तुम्हारा दोस्त? सब लोग तुम्हें झूठा कह रहे हैं। हाँ। तो प्रूफ कर दो तुम सच्चे हो, प्रूव कर दो अपनी सिंगिंग से। तुम आज क्या गाने वाले हो? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। उसमें कौन से टेम्पो की चोरी करने वाले हो? किसका भी टेम्पो नहीं चोरी करने वाला। किसको झुकाने वाले हो? आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसने ट्रेन किया है आपको? पवनदीप पाई ने। सर मैंने ही नहीं, सबने कोशिश करी पर कोई कर नहीं पाया। मैंने सोचा कि पिछली बार इन्होंने सेमी क्लासिकल गाना गाया था सर। ओके। जब दीप जले आना ऑडिशंस में, तो अब चाहता हूँ कि बॉलीवुड सॉन्ग गाएं, एक कमर्शियल सॉन्ग गाएं, जो कि है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, जिसमें एक पहाड़ीपन भी है और एक बॉलीवुड की झलक भी है। हाँ, फोक रग भी है। जी सर, एक फोकपन है। हाँ, और इसमें टेम्पो चूकने की ज्यादातर चांस कम है ना? ठीक है पहलवान, आज म्यूजिक रोकना नहीं है, जो भी है ऐसे ही गाना। ओके। अपना बनाने को पंच
मुड़की ली तो मैंने इतने दिल से तुम्हारे लिए वाह की। फूलों का गहना दूं यही कर अपना बना ले। किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ मैंने नोटिस किया। तुमने सीधा मुझे देखा कि छुट्टी कर दी ना तेरी। आजा सुपर सुपर सिंगर, यूर अ सुपर स्टार। जजेस, नमस्ते कैप्टन्स। क्या स्टाइल है, बाल वाले एकदम झटक के। हमारा जो फैज है वो एक चॉकलेट बॉय है। दीवाना है, देखो बेकरार वो। संभालो संभालो ना प्यार हो। बिल्कुल चॉकलेट बॉय तुम्हारे लिए ना। मुझे लगता है कि फैज नाम हटाकर मैं तो तुम्हें कहूंगा चॉकलेट। You are India's chocolate boy. Thank you so much, sir. Favorite. अच्छा फैज, जब आपको सर्टिफिकेट मिला उसके बाद में सहेलियां खुश थी? जी सर, बहुत खुश थे वो भी। अच्छा। स्कूल में भी सब मेरे फ्रेंड्स जो भी है सब खुश थे। जैसे फेयरवेल में सब टी शर्ट पर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वैसे ही मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने भी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ भेजी है। वाह, मेरे शर्ट पर भेजी है। मतलब देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर। वाओ वाओ, पीछे भी है। दोस्तों के इन विशेष ने मुझे बहुत हिम्मत दे दी और मुझे आज इन विशेष की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अरुणिता दीदी ने मुझे एक टास्क दिया है। वो काफी चैलेंजिंग है मेरे लिए क्योंकि पवनदीप भैया का जो ऑडिशन में उन्होंने गाना गाया था शायद, वो मुझे रिक्रिएट करना है। कुछ अलग तरीके से ट्राई करेंगे और धमाल वाला। कभी ना कह सकूं मैं तुमको, तुमको। आई होप आप सबको और हमारे कैप्टन पवनदीप को ये बहुत अच्छा लगेगा। वाओ। शायद जब पवनदीप ने गाया था जी, तो आज भी मुझे वो तारीख याद है, 28 नवंबर 2020। इंडियन आइडल के उस परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सितारा मिला था और वो है पवनदीप। और यही वो सेट था और यही वो कोना था, ये लेफ्ट में। आई कैन स्टिल विजुलाइज पवनदीप वाज प्लेइंग द पियानो। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। मुझे लगता है इतिहास दोबारा रिपीट होगा। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। अच्छा तुम पियानो बजाते हो? जी मैम, मैं भी पवन भैया की जैसे कोशिश करता हूँ कि मैं सब बजा पाऊँ। Wow. लेकिन बजा के गाओगे? बिल्कुल। ओके गुड, कम ऑन। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, बिना समझ लो तुम शायद
शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, चाहत कसम नहीं है कोई रसम नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको ख्वाबों में गांव जिसका, रास्ता नाम जिसका, चाहत है नाम जिसका, बना है तुमको ओ तुम जहां मिलेंगे हम वहीं, ओ तुम जहां मिलेंगे हम वहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। Historic. Thank you. Fantabulous. ये गोल्ड मेडल तुम्हें इतनी डिफिकल्ट चैलेंज की वजह से दिया जा रहा है, सबसे डिफिकल्ट राउंड में तुमने वो करके दिखाया है जो नामुमकिन था, बिकॉज पवनदीप ने बड़ों का इंडियन आइडल में ये गाना गाकर लाइव परफॉर्मेंस जब दिया था तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, तुमने बच्चों के सीजन में आकर इतनी सी कम उम्र में ये लेवल का परफॉर्मेंस दिया। चाहत कसम नहीं है कोई रसम नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको शायद तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद वाह जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं।
थी वो थी हम थे हम थे वो थी और कभी भी गाना नहीं गाया और गा ही नहीं सकता। रोहन का सब छोटा किशोर कुमार बोलते हैं। आईने के सामने खड़े होके ऐसे ही करता रहता है और उसको भी लगता है कि मैं उनके जैसा ही करूंगा। बाबू समझो इशारे और पुकारे बम बम बम। प्राउड ही लगता है। समृद्धि, बहुत मुश्किल है गाने के साथ में हारमोनियम सेम टू सेम बजाना, और आपका हारमोनियम लाजवाब है, आप गाती भी लाजवाब है। बहुत अच्छा लगा हमें आपका गाना, लेकिन आपको थोड़ा
जो परिणाम है इसका उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। Yes sir. All the best. All the best. Thank you. God bless. Keep shining. Thank you. अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात है, ये सब जो गाने हैं ना इस तरह के गाने कोई ज़्यादा गाता नहीं है मंच पर। कंटेस्टेंट्स भी जो रियलिटी शोज होते हैं ना वो कुछ ही गाने हैं जो चूज़ करके गाते हैं, पुराने दीदी के जो गाने हैं बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और इतना अच्छा लग रहा है ये सब गाने सुनकर क्योंकि इट्स कम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि कोई इस ये गाने भी स्टेज पर गा रहा है, वो भी छोटा सा लड़का। थैंक यू। ऐसे एक एक नगीने निकाल निकाल के गाना कुछ सुनाना जी। और मुझे आशा है कि तुम आगे जाओगे जरूर। yes, बहुत मीठा गाते हो, बहुत प्यारा गाते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।